My name is Saloni Shazman. Welcome to my channel, Jojo Day. I'm a GKS 2021 graduate scholar from India. और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिली. तो मैं ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रही हूँ. अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं इससे तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको इससे ज़्यादा डाउट्स हैं तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी. सबसे पहले मैं कोरिया में क्या कर रही हूँ. मैं कोरिया में मास्टर्स करने आई हूँ. और मास्टर्स कैसे करने आई हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आई हूँ. फ्री में, एक्चुअली फ्री नहीं है, बट हाँ थोड़ा पैसे लगते हैं आने में. अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप सेव करना चालू कर दो, क्योंकि आपको बहुत पैसे लगते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में. डिस्क्लेमर. तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने सोच रखा है कि वो हर साल पूरी दुनिया से जो उनके टाई अप्स हैं जिन जिन कंट्रीज से, उनको बुलाएंगे अपने यहाँ, अपना कल्चर एक्सचेंज करेंगे, लैंग्वेज एक्सचेंज करेंगे, साथ में उनको बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे. कुछ नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऐसे लिखने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इंटरव्यू देना है, पास होना है, हो जाएगा. दो तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक. एम्बेसी ट्रैक में चार एप्लीकेशन जाती हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक एप्लीकेशन जाती है. एम्बेसी ट्रैक में जो चार एप्लीकेशन जाती हैं वो सेम होती है, एक ओरिजिनल होती है, उसमें तीन जो एक्स्ट्रा होती हैं वो ओरिजिनल वाले की जेरोक्स होती है. मतलब चार, वन ओरिजिनल एंड तीन जेरोक्स, उनका एक सेट जाएगा. यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपका ये सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, पासपोर्ट वगैरह सारा उसमें एक जाएगा, रिकमेंडेशन लेटर. इंडिया में एम्बेसी ट्रैक MHRD करता है फर्स्ट स्क्रीनिंग. जब ये आएगा ना नोटिफिकेशन कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट पे, स्टेट इन कोरिया की वेबसाइट पे आएगा, तो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते टाइम पे अच्छा एप्लीकेशन बनाना, क्योंकि इंडिया वाले चेक करेंगे. सब पता रहता है उनको कि बच्चा कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है. बिल्कुल झूठ बोलने की कोशिश मत करना एप्लीकेशन में, कहीं भी ना ऐसे में ना, कोई झूठा सर्टिफिकेट मत लगाना. वो सब उनके पास डेटा होता है, तुम्हारा सब रीचेक कर लेंगे. कहीं झूठ बोला तो उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, पहले ही बता रही हूँ. और यूनिवर्सिटी ट्रैक में डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना है, मतलब पोस्ट करना है अपना एप्लीकेशन. स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर जाओगे तो नीचे लिखा होता है एप्लीकेशन गाइडलाइंस, उसमें आपको सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स वो लिखे हुए. स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में आता है एयर फेयर अलाउंस, अपना वीज़ा फीस नहीं लगती है, अपना को मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, अपना को ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने को इंश्योरेंस होगा, और भी कुछ बेनिफिट्स हैं तो सब उसमें लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना. ना के बराबर ही आपके रुपए लग रहे हैं. जो भी आपका पैसा लगता है वो फर्स्ट या सेकेंड मंथ में आप आने के बाद, जब तक आपको स्कॉलरशिप मिलना चालू नहीं होती तब, और आने के पहले जो लगता है वो आपका डोमेस्टिक जो है कंट्री में, मतलब डोमेस्टिक एयर फेयर या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, वो आपका खर्चा है, वो ये लोग नहीं देते हैं. उसके बाद पढ़ना क्या है हमको, आपने डिसाइड कर रखा है तो एक बार चेक कर लो. वो नीचे यूनिवर्सिटी का अवेलेबल फील्ड्स ऑफ स्टडी है कि हमारे को जो पढ़ना है वो है भी सही कि नहीं है. मेडिकल वाले भी बहुत कुछ अवेलेबल है MBBS को छोड़ के, तो वो देख लेना उसमें अवेलेबल होता है. तो ये देख लिया. अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो क्या क्या फिल करना है. एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फर्स्ट, उसमें आएगी चेक लिस्ट. चेक लिस्ट में तुम लोग ने कोई यस या नो छोड़ दिया तो वो वहीं एप्लीकेशन डिस्कार्ड कर देंगे. अगर तुमने कुछ एप्लीकेशन में लगाया है तो यस टिक करो, नहीं लगाया है तो नो टिक करो. ऐसा मत सोचो कि नो टिक कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन को देखेंगे नहीं, वो खोल के टिक करो, वरना वो फर्स्ट पेज को देख के ही डिस्कार्ड कर देंगे. तो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म में नाम वाम फिल किया अपना, यूनिवर्सिटी ट्रैक, एम्बेसी ट्रैक क्या है, तुम्हारा एड्रेस वगैरह नंबर डाल देना, बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है. जो फोटोग्राफ लगाओ आप, वाइट बैकग्राउंड वाला लगाना, और अपने जो कान हैं वो दिखने चाहिए. पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में सच्चाई लिखो, कुछ भी झूठ मत लिखना. पर्सनल स्टेटमेंट में जो हो सके वो लिख दो सारा, मतलब मेरी लाइफ में ये हुआ, मैंने ये अचीव किया, मेरे ये स्ट्रगल्स थे, मैंने इन स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के लिए ये किया, मेरी कमियां ये हैं, मेरी अच्छाइयां ये हैं, मैंने स्कूल में ये किया, कॉलेज में ये किया,
मैंने ये स्पोर्ट्स खेला, मैं ऐसे एक्टिव हूँ, मैं क्या हूँ, सब लिख दो अपने बारे में। उसको पहले पेन पेपर पे लिखो, फिर समराइज कर करके कर करके उसको एक पेज में फिट करो करो, मज़ा आएगा। जब करने बैठोगे बहुत दिन लगेंगे, अभी से चालू कर दो लिखना। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखना होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में यह लिखना है कि हम आए यहाँ तो आप पढ़ोगे कैसे, ये बता दो हमको। एक साल कोरियन लैंग्वेज कैसे पढ़ोगे ये लिख दो। अपना जो मेजर चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया है और वो कैसे पढ़ोगे ये लिख दो। और फिर ये लिख दो कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, मतलब वो नहीं होता क्वेश्चन इंटरव्यूज में, 5 ईयर बाद आप क्या करोगे, वो कुछ भी सोच लो। ज़रूरी नहीं है आप वही परस्यू करो फ्यूचर वाला, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये हो गया। हाँ, और मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं शेयर कर सकती, ये मेरा बहुत पर्सनल है, इसलिए ही उसको पर्सनल कहते हैं। तीसरा आ गया हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकता है तुम्हारा प्रोफेसर, टीचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीन, अगर ये सब भी नहीं है तुमको मिलते तो एम्प्लॉयर लिख सकता है। पर एम्प्लॉयर को लास्ट ऑप्शन रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मैंने सुना था पिछले साल एक कौन कुक थी शायद, कौन कुक या हान्यांग, वो तुम्हारा एम्प्लॉयर का एक्सेप्ट नहीं करेगी रिकमेंडेशन, तो प्रोफेसर से ही मांगो। जब तुम उनको ईमेल करो या उनको बताने जाओ ना, तो एक छोटा सा मैं तुमको बताती हूँ, एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना कि मैंने ये किया है लाइफ में और मेरे को ये मेजर के लिए अप्लाई करना है, तो सर आप इसके अराउंड लिख दोगे क्या रिकमेंडेशन लेटर मेरे लिए, तो उनको क्या है आसानी हो जाती है। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपको क्या करना है, आपको फॉर्म जो शायद आई गेस 5 है, फॉर्म 5 इसमें अंडर ग्रेड में और फॉर्म 8 है ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए, तो आपको वो फॉर्म प्रिंट करके अपने प्रोफेसर को देना है या उनको ईमेल करना है, वो खुद प्रिंट कर सकते हैं। तो और वो फॉर्म फिल करेंगे, नाम वाम आप फिल करके दे देना, और फिर उनको एक अलग से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टाइप करना है, प्रिंट करना है ओरिजिनल। एम्बेसी ट्रैक के लिए वो उस ओरिजिनल जो उन्होंने रिकमेंडेशन टाइप किया है ना, उसके 3 फोटोकॉपी ले सकते हैं और वो 4 का एक सेट बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 का एक सेट और एक फॉर्म 5, उसको वो एक एनवलप में फिल करें और एनवलप सील करते टाइम उसके पीछे बैक फ्लिप फ्लैप ऐसा होता है ना, कैसे बताऊं, वो ऐसा फ्लैप होता है ना जैसे ट्रायंगल सा, उस पे उनको ऐसा ट्रायंगल सा उसको उन पे बोलो कि ऐसे साइन करें या ऐसे सील लगाए, ताकि उसका पर्पस क्या है, ताकि उनको लगे जो NID उनको चाहिए कि ये सील्ड है, इसको बच्चे ने नहीं खोला है और बच्चे ने इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, वो कुछ होता है ना ऐड कर लेते हैं, तो आप ऐसे साइन करवा लो। तो ऐसा हो गया एक फॉर्म 5 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वाला जो फॉर्म में से है, और जो उन्होंने टाइप किया हुआ है 4 फॉर्म वो हो गए। ये एम्बेसी ट्रैक के लिए तो हो गए, यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए एक उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन काफ़ी है और एक फॉर्म 5 एक एनवलप में। ऐसे आपको 2 फॉर्म चाहिए एम्बेसी के लिए और 2 फॉर्म चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, या फिर आप हाई स्कूल अभी ग्रेजुएट हो रहे हो तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। फिर आपको चाहिए हैं ट्रांसक्रिप्ट्स, फिर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में पासपोर्ट दोगे तो वो नहीं ही मानते हैं, पासपोर्ट मत ही दो। पासपोर्ट की जगह आप क्या दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो और आधार कार्ड दे सकते हो, अगर आपके पास रहते हैं वोटर आईडी है वो दे सकते हो, ड्राइवर्स लाइसेंस दे सकते हो आई गेस, पर आपको पूछना एक बार क्या दे सकते हो। मैंने पासपोर्ट दिया था और बर्थ सर्टिफिकेट दिया था। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में है तो आपको उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और नोटराइज करवा के फिर सबमिट करना होगा। पेरेंट्स का प्रूफ क्या दे सकते हो सिटीजनशिप का, तो नेशनल आईडी दे दो, आधार कार्ड अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो, नहीं तो पासपोर्ट चल जाएगा। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स सब लगा दो, मैं तो कह रही हूँ जो भी तुम्हारे पास है। नहीं है कुछ तो कुछ करो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट करो, वॉलेंटियरिंग करो, नहीं तो नेशनल्स तुमने खेले हों या नेशनल इंटरनेशनल तुम्हारे पास अवार्ड्स हों तो ज़रूर लगाओ,
बहुत फ़ायदा होता है अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट का, या तुम्हें दिखाते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ दैट यू आर एक्टिव इन योर सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ, सब तुम्हें सही सब दिखाना है कि तुम बेस्ट कैंडिडेट हो आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द लैक्स ऑफ पीपल दैट हैव अप्लाइड। सब लगा दो, इनका तुम जेरोक्स लगा सकते हो, इनको नोटराइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो, तो ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराया है बेवकूफ़ों के जैसे, ओरिजिनल मत जमा करा देना। जो भी तुम कागज़ सबमिट करोगे, एक कागज़ तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ओरिजिनल के अलावा सेकेंड कॉपी नहीं मिलती है। तो ओरिजिनल लो, उनका कलर प्रिंट निकलवाओ, उनको नोटरी करवाओ, अगर वो ट्रांसलेट करवाना है तो ट्रांसलेट करवाओ इंग्लिश में, कोरियन में तो मत ही कराओ, इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कराओ, नोटरी कराओ और फिर सबमिट करो। एलिजिबिलिटी क्या है हमारी, 80% और अबव होना चाहिए। अगर आपके 80% और अबव नहीं है तो आप टॉप 20% में आना चाहिए, उसका आपको बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा कॉलेज से या स्कूल यूनिवर्सिटी से, वो आपको बोनाफाइड बना के दें। अच्छा, और प्रेफरेंस भी होती है, फर्स्ट कोरियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है टॉपिक का, तो आप अप्लाई करोगे तो आपको रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पे प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कुछ सर्टिफिकेट लगाते हो, जैसे आप टोफिल लगाते हो या आइल्स लगाते हो, तो आपको उस पर वो मिलेगी प्रेफरेंस। अगर आप अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर आप साइंस मेजर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल कोई बड़ा कॉम्पिटिशन जीते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर आप एक कोरियन वॉर वेटरन से कुछ रिलेटेड आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये था ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का छोटा सा जिस्ट। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैं वो भी बता ही देती हूँ और फिर मैं इसको ख़त्म करती हूँ वीडियो को। मैंने कौन से कॉलेज में अप्लाई किया है, मैंने चौनम नेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था ग्लोबल MBA के लिए, तो मैं वो कर रही हूँ। और मेरे को लैंग्वेज प्रोग्राम है एक साल का दुकसंग वुमेन्स यूनिवर्सिटी से, वो मैं कर रही हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप जितना अपने बारे में अच्छा बुलवा सकते हैं टीचर से बुलवा लो। हम मेजर स्विच कर सकते हैं कि नहीं, हाँ हम मेजर स्विच कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, मैंने बीटेक से MBA करा है तो कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो मायने रखता है, और आपका मेजर से रिलेटेड हो आपका वर्क एक्सपीरियंस तो और अच्छा है। इंटरव्यू क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कितना पूछ दो भाई तुम लोग। मेडिकल और स्टेप, वो थर्ड स्टेप है। अच्छा, और क्या पूछा था, वॉट ऑल डॉक्स आर रिक्वायर्ड, वो मैंने बता दिया। कैन एनी वन अप्लाई फॉर GKS हु हैव बैक्स, अगर आप पास हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो, या फिर मार्च में ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दो, बाकी तो आपके लक पर डिपेंड करता है। आपकी डिग्री होनी चाहिए 80% अबव होने चाहिए, बैक्स का वहाँ कोई मैंशन नहीं है, तो आप अप्लाई कर दो। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा बताओ ना प्लीज़। नारियल चढ़ाओ रोज 51 रुपए के साथ में। स्कॉलरशिप मिलेगा। हाय, आई एम आस्था फ्रॉम कोटा। हाय आस्था, डिड यू कॉन्टैक्टेड प्रोफेसर? नो, आई डिडंट कॉन्टैक्ट द प्रोफेसर बिफोर और ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, बिकॉज आई डिडंट फील द नीड टू आई गेस, बट इफ़ यू लाइक यू कैन ऑफली कॉन्टैक्ट द प्रोफेसर, अच्छा ही होता है। बट कई बार प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आप देख लो अप्लाई कर, अगर वो रिप्लाई करते हैं तो अच्छी बात है। पर मैंने तो नहीं किया था कॉन्टैक्ट, और मेरे ख्याल में मेरी फ्रेंड है वो, उसने भी नहीं किया था। वट इज़ ईजियर, यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक? कैसे सवाल करते हो यार तू। कुछ आसान नहीं है ज़िंदगी में, सब आसान है, सच्ची मजाक कर रही हूँ। दोनों ही ट्रैक बराबर से मुश्किल है, कोई सा भी ट्रैक आसान नहीं है, लेकिन अगर आप श्योर हो मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी ट्रैक से जाओ। अगर आप मल्टीपल चॉइस चाहते हो कि इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, नहीं तो इसमें हो जाएगा, तो आप एम्बेसी ट्रैक में जाओ। व्हेन विल योर क्वारंटीन गेट ओवर? ऑन 12th।
Which entrance exam did you give? GMAT? No, I didn't give GMAT or any other exams. I just filled the application form, wrote my personal statement, statement of purpose, applied with my certificate enclosed, and gave the interview, and that is it. You don't need to be a superhuman to apply. Seriously, it's all right. If you are a normal person like me, you can apply. But I did have work experience of 3 years. I think that was a benefit for me. Yeah, I applied with a lot of certificates. So how's it going out there? Are you getting used to the food? It's really good. Actually, I don't feel like I'm in another country. मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मैं अभी तक इंडिया में ही बैठी हूँ और मुझे यहाँ से लोग भी नज़र नहीं आने हैं. और फूड का तो मत ही पूछो, मैं जो भी स्नैक्स लाई थी वो सारे खा रही हूँ. इंटरव्यू और बाकी का प्रोसेस ना, वो मैं सेकेंड वीडियो में कवर करूँगी. ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया. थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पहली बार जब कर रहे होगे, जब डॉक्यूमेंट्स निकालोगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा, बहुत डर भी लगेगा, रातों में नींद भी नहीं आएगी. जब मेरा रिजल्ट आया था मैं पूरी रात नहीं सोई थी. बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत रुपया भी चाहिए. देखो सच बता रही हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए तो तुम्हें चाहिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, पूरा मतलब यहाँ तक आने के लिए 1 लाख रुपए तो तुमको चाहिए चाहिए. ये नोटरी में और ये प्रिंट कलर करवाने में बहुत रुपए जाते हैं. पोस्ट कराओगे तो DHL से स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा. ऐसे तो कोरिया भेजने में हमारे इंडिया से 4,800 लगते हैं, पर स्टूडेंट डिस्काउंट में 1,900 लगेंगे. तो उनको आप बोलोगे ना, हम स्टूडेंट हैं, हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, तो वो देंगे आपको डिस्काउंट. और क्या है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप भूल गए भेजना तो आपको फिर से रुपए भर के भेजने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे को भेजना पड़ा था बर्थ सर्टिफिकेट. तो हर चीज़ बहुत ध्यान से करना, बहुत आराम से करना, हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है. हर साल बच्चे आते हैं, हर साल बच्चे जाते हैं. इस साल नहीं हुआ तो अगले साल भी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है. मैं लोगों को जानती हूँ जो 6-6 साल से अप्लाई कर रहे हैं और उनका 7वें साल में हुआ है. तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस ही मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. अब पता चलता है हमारे बारे में, हमें बहुत पता चलेगा जब हम अपने बारे में लिखने बैठेंगे ना, तो हमें पता चलेगा हम कैसे इंसान हैं. तो अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है ये पता चलेगा आपको अगले साल के लिए, बट हो जाएगा. तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नीचे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कि आपको कुछ और जानना है, किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ मैं, कोई सा क्वेश्चन डाउट हो या जो भी मन कर रहा हो. या अगर ड्राइंग करनी हो तो ड्राइंग कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. कोरिया के बारे में मैं और व्लॉग्स बनाने वाली हूँ, बस मैं निकल जाऊँ यहाँ से एक बार, मैं बहुत सारे व्लॉग्स बनाने वाली हूँ. और क्या, बस ध्यान रखना, अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और पास हो जाओ तो मेरे को ज़रूर बताना. ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट.